यीशु मसीह में आप सबको सलाम। अजीज़ों, हम आज यीशु मसीह की आमदे सानी के हवाले से सीखने की कोशिश करेंगे। कलाम मुकद्दस में से मैं आपके लिए पढूंगा मुकद्दस मती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 3री आयत। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि मसीह यीशु अपनी पहली आमद में इंसान बनकर इस दुनिया में आए। उन्होंने ज़मीनी ज़िंदगी गुजारी और अपनी मौत के ज़रिए से इंसान को नजात अता की। और मसीह खुदावन ने हमारे गुनाहों की खातिर दुख सहा, खून बहाया, कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया, कोड़ों की मार सही और हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मर गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उसने इंसान के नजात के उस काम को पूरा किया। और हम सब जानते हैं कि ये उसकी पहली आमद थी। अब वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा। अजीज़ मुकाशवा की किताब में कलीसिया के लिए लफ्ज़ दुल्हन इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ दुल्हन यीशु के साथ उसके करीबी रिश्ते को जाहिर करता है। अजीज़ शैतान को सबसे ज़्यादा नफ़रत मुकाशवा की किताब से है। पैदाइश की किताब में वो रिश्ता जो आदम और हवा का खुदा से टूट गया था, वो मुकाशवा की किताब में मसीह यीशु अपनी दुल्हन के साथ जोड़ते हुए नज़र आते हैं, दोबारा से उसको बहाल करते हुए नज़र आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अब वो अपनी दुल्हन को लेने आएंगे। मुकद्दस पालूस रसूल पहला तसलनीकियों के खत के 4 बाब की 17वीं आयत में फरमाते हैं कि एक हिस्सा मैं आपके सामने पढूंगा, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें। ये मसीह की पोशीदा आमद या रैप्चर होगा जिसमें मुकद्दसीन आसमान पर उठा लिए जाएंगे। अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में बहुत से ऐसे हवाले जात हमें मिलते हैं जो मसीह की पोशीदा आमद के बारे में इशारा देते हैं। ये एक भेद है जो डानियल की और मुकाशवा की किताब में हमें मिलता है। मसीह खुदावंद अपनी दुल्हन को ज़मीन पर से उठा लेंगे। उस बड़ी मुसीबत के शुरू होने से पहले, उस 7 साल के अरसे के शुरू होने से पहले जिसका ज़िक्र हमें मुकाशवा की किताब में मिलता है। कलीसिया जो मसीह की दुल्हन है, वो बड़ी मुसीबत से नहीं गुजरेगी जो ज़मीन के रहने वालों पर आने वाली है। मसीह खुदावंद मुकाशवा की किताब में फरमाते हैं कि मैं आजमाइश के वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जो दुनिया के रहने वालों पर आने वाली है। अजीज़ों, जैसा कि हमने पढ़ा कि यीशु जैतून के पहाड़ पर बैठे थे और उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा कि हमको बता कि बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। जब हम मत्ती 24वें बाब की 6-14 आयात को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक फहरिस्त नज़र आती है। मसीह खुदावंद ने कहा कि तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेंगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, भूंचाल आएंगे, लोग तुमको अजिया देने के लिए पकड़वाएंगे, कत्ल करवाएंगे, यहाँ तक कि मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे जो बतेरों को गुमराह करेंगे, बेदीनी के भर जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी। अजीज़ों, अगर हम देखें तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं पूरी होती हुई हमें नज़र आती हैं। जैसा कि हमने मत्ती की इंजील में पढ़ा कि यीशु के शागिर्दों ने उसे 3 सवाल पूछे कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। मगर मसीह खुदावन ने उनको एक खास बात की तरफ इशारा करते हुए कहा, जैसा
नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। नूह के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादियां करते थे, और जब तक तूफान ने आकर उन सबको बहाना ले गया उनको खबर ना हुई। हम देखते हैं कि यीशु ने ये निशान दिया कि नूह के ज़माने में क्या हुआ। जब हम पैदाइश 6 बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि रूहे ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे, गुनाह इस कदर बढ़ गया कि खुदा इंसान को बनाकर पछताने लगा। NIV बाइबल के अंदर हमें लफ्ज़ रिग्रेट मिलता है, और एक और ट्रांजिशन में हमें रिपेंथन का वर्ड नज़र आता है। लिखें कि खुदा को अफसोस हुआ। 120 साल तक खुदा इंतज़ार करता रहा। 120 साल तक नूह ने मुनादी की लेकिन किसी ने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। यीशु ने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के दिन होगा। अजीज़ो, जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ लिखा है कि आदमी बहुत बढ़ने लगे, आज के दौर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि आज हमारी दुनिया की आबादी 7.9 बिलियन तक पहुंच गई है, और लोग खुदा के कलाम से दूर हो गए हैं। जैसे नूह मुनादी करता रहा और लोगों को समझाता रहा कि कश्ती में दाखिल हो जाओ, कश्ती में दाखिल हो जाओ कि तूफान आने वाला है, मगर लोगों ने उसकी सुनी अनसुनी कर दी। पैदाइश की किताबें बताती हैं कि लोगों ने अपना तरीक़ेकार बिगाड़ लिया था, मगर तूफान से पहले खुदा ने नूह और उसके ख़ानदान को कश्ती के वसीले से बचा लिया, और सिर्फ 8 जानें बची। हमें ये निशान भी याद रखने की ज़रूरत है कि बहुत से थोड़े से लोग दुनिया से उठा लिए जाएंगे। एक और हवाला हम देखते हैं कि मसीह खुदा फरमाते हैं कि जैसा लूत के दिनों में हुआ, लोग खाते पीते और ख़रीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा ने लूत को निकाला तो आसमान से आग और गंदक बरसाकर सदूम को बर्बाद किया, और इससे पहले कि खुदा उस शहर को बर्बाद करता, खुदा ने इस भेद को इब्राहिम से पोशीदा नहीं रखा। खुदा ने अपने रास्तबाज बंदे इब्राहिम को बताया कि वो सदूम को बर्बाद करने वाला है। हम जानते हैं कि लूत जो था वो इब्राहिम का भतीजा था। पैदाइश की किताब में लिखा है कि जब 3 मर्द इब्राहिम से मिलने आए, उनमें एक खुदा खुद था, और खुदा ने सारे वाकिए को इब्राहिम पर जाहिर कर दिया। अजीज़ो, आज भी खुदा का रूल कुद्स अपने भेदों को अपने बरगजीदों पर, अपने खून खरीदों पर और उन लोगों पर जो उसके साथ रास्तबाजी में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, तो वो अपने भेदों को खोलता है कि वो कब आ रहा है। इसका मतलब है जैसा लूत और नूह के ज़माने का तरीक़ेकार था वैसा ही आखिरी दिनों में होगा। जिसको जो सही लगता था वो करता था। हम देखते हैं कि आज के दौर में भी हर तरफ बुराई, गुनाह, और हर किसी ने अपना अपना तरीक़ेकार बिगाड़ लिया है। जिसको जो सही लगता है वो करता है। खुदावन ने ये कहा कि बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे जो बहुत से अजीब काम और निशानियां जाहिर करेंगे। अदालत के दिन अजीज़ों को कही कि हमने तेरे नाम से कलाम सुनाया, मौजात किए, शिफाएं दी। यीशु उनसे साफ कह देगा कि मैं तुमको नहीं जानता। अजीज़ों, ब्रदर विलियम ब्रैनम फरमाते हैं कि झूठा मसा ऐसे लोगों पर होगा क्योंकि वो हकीकी कलाम से वाकिफ नहीं होंगे। डैनियल नबी की किताब में लिखा है कि आखिरी दिनों में दानिश अफजून होगी। ये पेशन गोई भी हम देखते हैं कि पूरी होती हुई नज़र आती है। आज के दौर में अक्ल और फहम और हिकमत की इंतहा हो गई है और लोग खुदा से दूर होते जा रहे हैं। मसीह खुदावन ने कहा था, जब तुम इन बातों को पूरा होते हुए देखो तो जान लेना मेरी आमद नज़दीक है, बल्कि दरवाजे पर है। अजीज़ो, वक्त करीब है। यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। जैसा कि दूल्हा है वैसे ही उसकी दुल्हन को भी होना चाहिए। दूल्हा कलाम है, जैसा कि लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम जिस्म में आ गया, और जैसे हवा आदम के बदन का हिस्सा थी और वो उसमें से निकाली गई थी, उसमें से ली गई थी, और आदम ने कहा ये मेरी
हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है और ये नारी कहलाएगी, इसलिए आदम की बीवी आदम का हिस्सा है। और दुल्हा जो कलाम है उसकी बीवी भी उसका हिस्सा है, और जब दुल्हा कलाम है तो उसकी बीवी को भी कलाम होना चाहिए। और वो एक बालिग दुल्हन से शादी करने को आ रहा है जो उसके कलाम से मामूर होगी। यीशु की दुल्हन उसका कीमती ख़जाना है जिसको लेने के लिए वो आएगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो चोर की तरह आएगा। चोर हमेशा कीमती चीज़ों को लेने के लिए आता है, और ज़मीन पर उसकी कीमती चीज़ उसकी दुल्हन है। मुकद्दस पालूस रसूल इफ़सियों के खत उसके 5वें बाब की 27वीं आयत में फरमाते हैं, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर उसे अपने पास हाजिर करेगा जिसके बदन में दाग या झुरी या कोई और ऐसी नापाक चीज़ ना हो बल्कि पाक और बेऐब हो। इफ़सियों के खत के मुताबिक वो अपनी ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है जिसमें कोई दाग या झुरी ना हो। हमारी ज़िंदगियों में कोई ऐसी बात तो नहीं कि हम कलाम से हटकर दुनियादारी में अपनी ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे? हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर आज हमारी कलीसिया में, हमारी ज़िंदगियों में हकीकी मसा नहीं है तो फिक्र करने की ज़रूरत है। रसूलों के इमाल की किताब में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर इब्तदाई कलीसिया का ज़िक्र हमें मिलता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उनके दरमियान अजीब काम और निशानियाँ ज़ाहिर होती थी। आज पाक रूह के बपतिस्मे की हमें ज़रूरत है। हमें लूब वॉर्म सिस्टम से बाहर आना होगा, और अगर हमारी ज़िंदगियों में पाक रूह नहीं, हमें उसको हासिल करने की ज़रूरत है। मुकाशो की किताब में मसीह खुदावंद 7 कलीसियों से कलाम करते हुए नज़र आते हैं। मसीह खुदावंद 7 कलीसियों के अंदर चलते फिरते हुए नज़र आते हैं। और जब हम आखिरी 7वां कलीसिया ज़माना जो लौदीकिया की कलीसिया का ज़माना है, मुकाशफा 3 बाब उसकी 15वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो मसीह खुदावंद फरमाते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता। बस चूँकि ना तू गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। चूँकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खवार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आँख में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज़ रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ, पस सरगर्म हो और तौबा कर, देख मैं दरवाज़े पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। अज़ीज़ो, यीशु लौदीकिया की कलीसिया से गिला करता हुआ नज़र आता है, काश कि तू गर्म या सर्द होती। लौदीकिया की कलीसिया जो आज के दौर की कलीसियाओं की नुमाइंदगी करती है, मसीह खुदावंद उससे फरमाते हैं कि देख मैं दरवाज़े पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ रिफाकत रखूँगा, उसके साथ खाना खाऊँगा। अब यीशु कलीसिया से बाहर खड़ा है, अब वो दोबारा अंदर आने की कोशिश कर रहा है। पहले वो कलीसियों के अंदर चलता फिरता हुआ दिखाई देता था, जबकि कलीसिया ये समझ रही है कि वो मालदार है, वो दौलतमंद है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। वो कहता है कि मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले और आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। अजीज़ों, आज वो हमें ऑफ़र करता है कि हम खुदा के पाक कलाम को ले लें, लेकिन आज के दौर में कलीसियाएँ उसको लेना नहीं चाहती। लोग इबादत तो कर रहे हैं लेकिन मसीह का पाक रूह वहाँ पर मौजूद नहीं है। मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे,
आए खुदावंद, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबुवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, तेरे नाम से मौजज़ात हमने नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, मसीह खुदावंद कहते हैं कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हम आखिरी दिनों में अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, हमें मसीह खुदावंद को और उसके कलाम को इज्जत देने की ज़रूरत है। आज खुदा का पाक रूह पुकार रहा है, वो इनफरादी तौर पर, शख्सी तौर पर हमसे बात करना चाहता है, जिस तरह मसीह खुदावंद इज़राइल से नोहा करते हैं। आज मसीह का पाक रूह भी पुकार रहा है, हमें उसकी आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। हमने देखा कि सातवां कलीसिया ज़माने में यीशु कलीसिया से बाहर खड़ा है और दरवाजे को खटखटा रहा है, काश कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोले। अजीज़ों, आज हमारी ज़िंदगियों का सारा मकसद उस शहर में, उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए होना चाहिए जिसके लिए मसीह खुदावंद आ रहा है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।